यानी देव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु रुक्मणी, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी गाइड, आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली के भगवान श्री शनिदेव के दर्शन करते हुए आइए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। अब से 10 मिनट में नीलम रत्न के बारे में जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो यूट्यूब के और किसी वीडियो में आपको प्राप्त नहीं होगी, ना ही आपको वो इंटरनेट पे मिल सकती है और ना ही वो आपको किसी किताब में मिलेगी, क्योंकि ये ज्ञान हमें अपने गुरु से प्राप्त हुआ और उनके 30 वर्षों के अनुभव से और उसके बाद हमारे 10 वर्षों के अनुभव से जो हमने नीलम रत्न को समझा है, मैं वो सारी जानकारी आपको आज देने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल के हो चुके हैं और डेली हमारा ये जो परिवार है ये बढ़ता जा रहा है, तो इसके सदस्य बनने के लिए तुरंत ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन भी दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल पे 6000 से ज्यादा वीडियोस हैं जो आपको बहुत सा ज्ञान प्रदान करेंगी, उसको भी आप देखते रहें। नीलम रत्न जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली रत्न है। बहुत से लोगों के मन में नीलम रत्न सुनते ही विभिन्न ख्याल आने लगते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नीलम पहनने से उनका भाग्य उदय हो सकता है तो कुछ लोग नीलम पहनने से बहुत ही डरते हैं। नीलम एक बहुत ही असरदार रत्न है। जो भी व्यक्ति नीलम को धारण करता है और नीलम उसे सूट करता है तो ऐसी स्थिति में उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद उन्नति ये सब उसे प्राप्त होता है। नीलम जिन व्यक्तियों को सूट करता है उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक परिणाम दिखाता है। अगर आपके जीवन में आलस्य है, आप निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो नीलम रत्न धारण करने से ये दोनों कमियां भी दूर होती है। नीलम रत्न धारण करने से हमारे आसपास एक ऐसा सुरक्षा घेरा, एक ऑरा बनता है जिसके कारण जो लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, हम पे बुरी नजर रखते हैं या हम पे कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करते हैं, उन सभी से हमें राहत मिलती है। नीलम रत्न हमें इन सभी चीजों से सुरक्षित रखता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी हमें बहुत लाभ देता है। नीलम रत्न शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है, आलस्य को दूर करता है, हमारे जीवन में फोकस दृढ़ता को बढ़ाता है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे मन में धैर्य और सुख शांति बढ़ती है। अज्ञात भय, बुरी नजर, शत्रुओं से भी हमारी सावधानी करता है। नीलम जिनके लिए धन से संबंधित है उनकी जन्म कुंडली में धन का कारक बना है और लाभ का कारक बना है, उनके जीवन में धन को भर देता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है और नाम सम्मान बढ़ाता है और धन को भी शीघ्र ही प्रभावित करता है, धन की उन्नति कराता है। जो व्यक्ति कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट हैं या कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं, कोर्ट इत्यादि में काम करते हैं, उन व्यक्तियों को भी नीलम रत्न धारण करना बहुत ही लाभकारक होता है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मैं आपसे मिलूंगी, कैसे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जीवन को सरल बनाया जा सकता है ऐसी किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। जय शक्ति। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।